हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ दोस्तों, विंटर सीजन तो चला गया और विंटर के जो फ्लावर हैं उनको आप सेव करो। कभी कभी तो आप पूरा पॉट भी सेव कर सकते हो। अगर आपको अपना प्लांट को नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार करना है तो उनकी कटिंग को आप लगा सकते हो। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी जो विंटर सीजन के प्लांट हैं और आप अगले नेक्स्ट विंटर के लिए उनको सेव कर सकते हो। तो नंबर पहले पर ये जो कैलेंचो है दोस्तों, इसकी कटिंग को आप सेव कर ले और अगले सीजन के लिए तैयार हो जाएगी। ये राइट टाइम होता है कि आपके जो विंटर प्लांट हैं वो मतलब अभी तो फ्लावर देना बंद कर देंगे, तो आप उनके प्लांटों को पूरा पॉट भी बचा के रख सकते हो और कुछ की कटिंग को तैयार कर सकते हो। कैलेंचो की कटिंग तोड़ना है और नीचे की लीफ को हटा देना है। और आपको इसको किसी भी सॉइल में, आप अपने किसी भी गमले में या कहीं भी आप पॉली बैग में कहीं भी लगा के इसके खूब सारे प्लांट बना सकते हो अगले सीजन के लिए। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, ये देसी वैरायटी का कैलेंचो है और ये दोस्तों एक लीफ से भी तैयार हो जाता, बहुत ही प्यारा फूल, बंचों में फ्लावर आता है, विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। तो इसको आप बचा सकते हो नेक्स्ट सीजन के लिए कटिंग के द्वारा। और दूसरे नंबर पर बेगोनिया आता है दोस्तों, ये भी विंटर का बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आते हैं। मुख्यतः ये मेरे यहाँ दो कलर का है और एक वाइट है और एक पिंक है। तो इसकी कटिंग को भी आप बचा सकते हो, इसके प्लांट को भी आप सेफ रख सकते हो। और अगर आपका सेफ प्लांट नहीं बच रहा है तो आप इसकी कटिंग को, आप ज़रूर इसकी कटिंग को लगा ले, बहुत ही जल्दी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो दोस्तों नीचे के लीव्स को हटा के आपको भी इसको किसी भी सॉइल में आप लगा दें। बस आपको अपने ध्यान रखना है कि बिगोनिया के प्लांट की कटिंग को आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी इनमें बहुत ही अंदर इनकी लीव्स में स्टोर होता है, इसलिए इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो मैंने इस तरह से मैंने भी कई बिगोनिया के प्लांट बचाए हैं जिसको आप नेक्स्ट सीजन के लिए बचा सकते हो। तीसरे नंबर पर जो प्लांट देंथस दोस्तों, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है नेक्स्ट सीजन तक। अगर आप समर में इस प्लांट को बचा ले जाते हो तो नेक्स्ट सीजन में भी बहुत ही अच्छे से फूल आते हैं। इसको दोस्तों सीड के द्वारा भी प्रोपोगेट किया जा सकता है अगर आप नेक्स्ट सीजन के लिए बचाना चाहते हैं। तो इस तरह से इसके सूखे फूल को रख ले और तो ये अगले सीजन के लिए भी बच जाएगा। और इसके दोस्तों इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से दोस्तों लग जाती है। तो आपको इसकी कोई भी कटिंग, छोटी छोटी कटिंग, ऊपर वाली टिप से बस नोड एरिया होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से इसकी जड़ें आती हैं वो अगर होगा तो आपका ये प्लांट भी नेक्स्ट सीजन के लिए बच जाएगा। नीचे की थोड़ी सी लीव हटा के इसको आप किसी भी सॉइल में इस तरह लगा देंगे दोस्तों, नेक्स्ट सीजन के लिए आपके ये देंथस तैयार हो जाएंगे और आपको विंटर में बहुत सुंदर से फ्लावर मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला ये देंथस प्लांट होता है। तो आप इसको भी कटिंग के द्वारा बचा सकते हो नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ये जरूर आप इसकी कटिंग अपने घर में ग्रो करें। चौथे नंबर पर जो प्लांट आप देख रहे हो, ये गजानिया का प्लांट है जो नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत आसानी से बचाया जा सकता है दोस्तों। इसके नीचे से बहुत ही छोटे छोटे से प्लांट निकलते हैं, ये देखिए आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, इसमें नीचे से आप इन प्लांटों को अलग अलग कर सकते हो। और अगर आपको पूरा ही प्लांट बचाना है तो इसको छाया में रख दीजिए। आप इस तरह से इसको एक एक करके उखाड़ेंगे तो इसमें रूट सहित इसका बॉल निकल आता है। इसमें देखिए चार पांच रूट बॉल अलग अलग से तैयार हो रहे हैं। तो आप इनको अलग, ये देखिए ये अलग कर लेंगे तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो इसके ऊपर की कटिंग नहीं, इसको नीचे से ही इसको तोड़ के आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो गजानिया की कटिंग को भी आप सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। अभी करेंगे तो अगले विंटर में आपको बहुत सुंदर फूल मिलेंगे। अब आता है दोस्तों क्रैसेंथेमम गुलदावरी।
गुलाबदी भी दोस्तों कटिंग से नेक्स्ट सीजन के लिए बचाया जा सकता है। ये देखिए मैंने तो इस गमले में लगा था, इस पॉली बैग में ही पूरा प्लांट को रख दिया है और नेक्स्ट सीजन में इसकी कटिंग लगा लेंगे। और अभी भी आप चाहो तो इसकी कटिंग, छोटी छोटी सी कटिंग को तोड़ के आप मतलब लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और नेक्स्ट सीजन में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपके पास ढेरों गुलाबदी के प्लांट बन जाएंगे अलग अलग कलर के। मैंने यहाँ पे सेव करके रख दिए हैं, किसी को मैंने पॉली बैग में रख दिया है, किसी को ग्रो बैग में रख दिया है, जिससे कि अगले साल मिल जाएंगे मुझे। और यहाँ पे आता है दोस्तों डहलिया, डहलिया भी नेक्स्ट सीजन के लिए बचाया जा सकता है दोस्तों। इसको कटिंग से और इसके जो राइजोन होते हैं, इसके अंदर जो बल्ब होते हैं, उनको भी बचा के रख सकते हैं। तो इसकी आप कटिंग भी अगर अभी लगाएंगे तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी कटिंग अभी लगाई थी 15 दिन पहले और बहुत ही अच्छे से ये कटिंग चल गई है। और ये प्लांट अगर आप चाहो तो इसके पॉट को भी बचा के रख सकते हैं, ऊपर ऊपर के प्लांट को काट दें और राइजोन इसके जो बल्ब होते हैं उनको भी निकाल के आप कोई भी बालू वाले गमले में रख दें तो इसके बल्ब भी बच जाएंगे। और इसकी कटिंग से आप इसको लगा लोगे तो अभी कटिंग से भी ये प्लांट बहुत आसानी से बच जाता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर बचाएं नेक्स्ट सीजन के लिए। यहाँ पे है जेरेनियम दोस्तों, ये जेरेनियम है, ये भी नेक्स्ट सीजन के लिए बचाया जा सकता है। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से दोस्तों ग्रो हो जाती है। आप चाहो तो पूरा पॉट को भी आप सेमी शेड में रख दें और छाया वाली जगह में रखें और पानी ज़्यादा ना दें। पानी जब भी दें, जब आपको लगे कि इनकी मिट्टी ड्राई हो गई है तभी आप इन विंटर प्लांटों को पानी दें। और तो आपके एक नेक्स्ट सीजन के लिए ये जेरेनियम प्लांट भी आप इसको बचा सकते हो। ऊपर की टिप काट काट के अगर आप लगा लें तो बहुत सारे प्लांट आपके बन जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कटिंग है वो सूखे भी ना और ओवर वाटरिंग भी ना करें आप लोग, तो ये जेरेनियम को भी बचाया जा सकता है। अब आता है दोस्तों गेंदा, ये हजारी गेंदा है और आप जाफरी गेंदा हो या हजारी गेंदा हो, इसको सीड से भी बचाया जा सकता है। और दोस्तों अगर अभी भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो भी इसकी कटिंग लग जाती है, बस कटिंग को आपको छाया वाली जगह पे रखना है। ये देखिए यहाँ पे आप लगा दीजिए, या कहीं भी आप इसको लगाएंगे तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कटिंग है वो धूप में नहीं रखनी है और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से आप अपने विंटर प्लांट को बचा सकते हैं कटिंग के द्वारा नेक्स्ट सीजन के लिए। आपको ये मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और विंटर गार्डन को बहुत मिस करने वाले हैं। और आप सबको अपना ध्यान रखना दोस्तों, और बाय बाय।